हेलो अभिमन, हमने पिछले वीडियो में प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ा था। इस बार हम पढ़ेंगे लीग ऑफ नेशन के बारे में। लीग ऑफ नेशन क्या है? इसका जुड़ाव है लेकिन अब प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। इसका जुड़ाव प्रत्यक्ष तरीके से, लीग ऑफ नेशन जो है इसकी स्थापना की जाती है 10 जनवरी 1920 को। 10 जनवरी 1920 को आखिर ये है क्या, क्यों इसकी स्थापना किया गया और इसका क्या उद्देश्य था? कोई भी चीज बनाया जाता है उसका एक उद्देश्य होता है। आखिर लीग ऑफ नेशन क्यों बनाया गया, क्या था ये? हमारा प्रथम विश्व युद्ध होता है जो फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है वो 1914 से लेकर 1918 तक होता है। उसके बाद हमारा आता है ट्रीटी ऑफ वर्साय, जिसे हम वर्साय की संधि के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा वर्साय की संधि, जिसमें कि जर्मनी के ऊपर बहुत सारी संधियां थोप दी जाती है। जर्मनी के जितने भी संसाधन है उस पर कब्जा कर लिया जाता है, उसके सैनिक तोड़ दिए जाते हैं, सब कुछ नष्ट कर दिया जाता है वर्साय की संधि के माध्यम से। तो 1914 से 1918 आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, 1919 में वर्साय की संधि हुआ और लीग ऑफ नेशन 1920 में होता है। लीग ऑफ नेशन इसलिए लाया गया ताकि इतने जो विश्व स्तर पे ये जो बड़ा युद्ध हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, उस तरह का युद्ध आने वाले समय में भावी पीढ़ियों को इस तरह की समस्याओं का, इस तरह के युद्ध को ना झेलना पड़े या इस तरह के युद्ध को वो लोग फेस ना करें। युद्धों को रोकने के लिए, युद्धों को नियंत्रण करने के लिए, छोटे मोटे लड़ाई जो झगड़े हैं दूसरे देशों के बीच में, एक दूसरे देशों के बीच में, उस तरह के झगड़ों को निपटाने के लिए लीग ऑफ नेशन का स्थापना किया गया। लीग ऑफ नेशन का जो है ये पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था फ्रांस में, पेरिस जो है फ्रांस में, तो पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था और उसमें वुड्रो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति का मुख्य योगदान था ये वुड्रो विल्सन का। तो वुड्रो विल्सन जो थे अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने पेरिस में एक शांति सम्मेलन कराया था जिसमें लीग ऑफ नेशन जैसी कोई एक संस्था बनाने की बात हुई थी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, जो कि शांति बनाए रखने के लिए काम करेगी। वुड्रो विल्सन द्वारा एक 14 सूत्रीय सिद्धांत रखा गया था। 14 सूत्रीय सिद्धांत मीन्स कि ऐसे 14 विषयों पर यह काम करेगा जिससे पूरे विश्व में शांति बनी रहेगी। 10 जनवरी 1920 को जिनेवा में लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई और उस वक्त सदस्य संख्या इसकी शुरुआत में 42 थी और धीरे धीरे बढ़कर 60 से भी ऊपर गए। आज इसकी सदस्य संख्या 60 से ऊपर, क्योंकि ये ज्यादा दिनों तक नहीं टिका, ये सिर्फ लगभग 2 दशकों तक चला, यानी कि 1920 में बना था तो ये 1939 तक ही चला था। ये भंग हो गया था, इसके पीछे कुछ कारण था जिसके असक्सेस हुआ, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, इसके पीछे क्या कारण था आगे पढ़ेंगे अभी। ये जो हमारा टॉपिक है लीग ऑफ नेशन का उद्देश्य है, लीग ऑफ क्योंकि कोई भी चीज बनाया जाता है तो उसका एक उद्देश्य होता है। हम कोई भी काम करते हो हर एक चीज का एक उद्देश्य होता है। अगर हम स्कूल जाते हैं तो उसका उद्देश्य भी है एजुकेशन, एजुकेटेड होना हमारा। तो उसी तरीके से लीग ऑफ नेशन का भी कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा और सद्भावना के लिए सकारात्मक प्रयास करना। कि क्योंकि विश्व स्तर पर इतना ज्यादा हानि हो गया था कि सभी पूरे विश्व के सभी देश घबरा गए थे, डर गए थे अब आने वाले समय में ऐसा युद्ध ना हो, तो इसलिए लीग ऑफ नेशन की स्थापना किया गया था ताकि विश्व में शांति बनाए रखा जाए। तो अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और सद्भावना के लिए सकारात्मक प्रयास किया करेगा लीग ऑफ नेशन। भावी युद्धों को रोकने के लिए कि आने वाले समय में इस तरह का कोई युद्ध ना हो, इसलिए भी इसका एक उद्देश्य था। अंतरराष्ट्रीय सहयोगों को प्रोत्साहन देना, जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी अच्छी चीजें उसको सपोर्ट करेगा लीग ऑफ नेशन। विभिन्न राष्ट्रों के परस्पर विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना, कि विभिन्न राष्ट्रों के बीच में, अलग अलग देशों के बीच में अगर हमेशा छोटे छोटे जो विवाद होते परस्पर, यानी हमेशा, तो जो विवाद होंगे उसको शांतिपूर्ण तरीके से बिल्कुल ही उसको सुलझाने की कोशिश करेगा। विश्व में निशस्त्रीकरण के लिए प्रयास करना। निशस्त्रीकरण, शस्त्र मतलब होता है हथियार, निशस्त्र यानी कि बिना हथियार या हथियारों का यूज ना किया जाए, तो निशस्त्रीकरण के लिए प्रयास करेगा कि कई देश हथियारों का कम से कम प्रयोग करें या ना करें। दास व्यापार को समाप्त करना, दास व्यापार को समाप्त करना यानी कि उस समय में दासों को खरीद फरोख्त तो बहुत ज्यादा था उस वक्त, तो दासों का जो व्यापार चल रहा था, तो इस तरह की स्थिति अब ना हो, या इस तरीके से कोई भी देश अपने देश के जो दास है उसको ना बेचे या ना खरीदे, तो दास व्यापार की को समाप्त करना और जन सामान्य की दशा में सुधार करना, क्योंकि जन सामान्य की जो स्थिति थी बहुत ही खराब थी। यहां तक कि जब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त जब दासों को बेचा यानी एक व्यक्ति को खरीदा और बेचा जा रहा, तो उस वक्त क्या जनता की स्थिति थी। तो जन सामान्य की दशा में सुधार करने भी लीग ऑफ नेशन का उद्देश्य था। देखिए लीग ऑफ नेशन की असफलताएं क्या है, क्या क्या कहाँ कहाँ पर असफल हुआ, सक्सेस क्यों, या कहाँ कहाँ पे ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जहां पे ये
युद्धों को नहीं रोक सके, जो इसकी ड्यूटी थी उस ड्यूटी को पूरा नहीं कर पाया, जो भी इसके उद्देश्य थे। अभी हमने पीछे पढ़ा कि इसका उद्देश्य क्या था, तो जो जो उद्देश्य था उन उद्देश्यों पे खरा नहीं उतर पाया। कहां कहां पे ऐसी स्थिति थी, लीग ऑफ नेशन लगभग 2 दशक तक, यानी कि 1930 आपका लीग ऑफ नेशन जो आता है, लीग ऑफ नेशन जो है 1920 से 1939 तक, यानी कि लगभग 2 दशक, यानी 19 वर्षों तक, तो लगभग 2 दशक तक सक्रिय रहा अंतरराष्ट्रीय शांति में सकारात्मक सहयोगी के रूप में, किंतु संसार के शक्तिशाली देशों की स्वार्थ प्रियता, जो भी इसके मेंबर थे 40-50 जो भी उस वक्त तक इसके मेंबर थे, उसमें मैक्सिमम शक्तिशाली देश थे, तो शक्तिशाली देशों की स्वार्थ प्रियता, उन्होंने अपने स्वार्थ के अकॉर्डिंग इसका प्रयोग किया और अनुचित हस्तक्षेप के कारण लीग ऑफ नेशन असफल हो गया। उन्होंने अपनी मनमानी की लीग ऑफ नेशन बनाने को बना दिया था एक नाम के लिए, लेकिन वो वही कर रहे थे जो उनके मन में आ रहा था। 1931 में जापान का मंचूरिया पर आक्रमण, मंचूरिया चाइना के अंडर में आता है, चाइना के नजदीक है, तो जापान ने मंचूरिया के ऊपर आक्रमण कर दिया। थोड़ा सा आप लोगों को मैप के लिए मैप पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को भले ऐसे याद नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी आप 12th में आए हैं, तो आपको थोड़ा सा अलग से मैप, जितने भी देश आपको लगते हैं कि जो भी आपको नाम अलग से सुनाई दे रहा है, उसके लिए आप मैप पे सर्च कर लेना। तो 1931 में जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण किया, तो उस वक्त भी लीग ऑफ नेशन नहीं रोक सका इस युद्ध को। और 1936 में इटली ने इथोपिया पर आक्रमण किया, तब भी लीग ऑफ नेशन ने नहीं रोका या रोक नहीं पाया। 1938-39 में जर्मनी का उस वक्त हिटलर था, तो हिटलर ने ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, मेमल पर अधिकार कर लिया, और इस वक्त भी लीग ऑफ नेशन इनको नहीं रोक सका। लीग ऑफ नेशन की असफलता के कारण क्या थे? असफल तो हुआ था क्योंकि उन वजह से हुआ था, क्योंकि रोक नहीं पाया था बहुत सारे युद्धों को, इसलिए तो अभी हमने पढ़ा। लेकिन लीग ऑफ नेशन की असफलता के मेन वजह क्या थे? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापना के लिए जिस संगठन की स्थापना की गई थी, यानी लीग ऑफ नेशन की जो स्थापना की गई थी, जो परिकल्पना की गई थी, वो यथार्थ में यानी वास्तविक रूप से लीग ऑफ नेशन के रूप में अपने उद्देश्य को पूरा करने में असफल रहा। उसका रीजन था कि विश्व का जितने भी प्रभावशाली राष्ट्र थे, शक्तिशाली राष्ट्र थे, और इस संगठन का जो जन्मदाता है अमेरिका, इसका सदस्य नहीं बन सका था। अमेरिका ने इसको बनाया जरूर था, यहाँ के राष्ट्रपति जो थे वुड्रो विल्सन, इन्होंने बनाया जरूर था, लेकिन ये पूर्ण रूप से अमेरिका इसमें शामिल नहीं हो पाया था, इसका मेंबर नहीं बना था। लीग ऑफ नेशन के सदस्य देशों ने इसके उद्देश्यों के आधार पर कार्य ना करके अपने स्वार्थों को ही ध्यान में दिया। जितने अब इन शक्तिशाली या प्रभावशाली कुछ राष्ट्रों को छोड़कर जो भी इसके मेंबर थे, उन लोगों ने इसके उद्देश्यों के आधार पर कार्य ना करके अपने स्वार्थों को ही ध्यान में रखा। लीग ऑफ नेशन के पास सैनिक संगठन का भाव था, मीन्स की लीग ऑफ नेशन का कोई अपना सैनिक नहीं था। सैनिक इसके पास कहां से आते थे? लीग ऑफ नेशन के पास सैनिक वहां से आते थे जो इसके मेंबर थे, यानी जितने भी देश इसके मेंबर होंगे, तो जब भी लीग ऑफ नेशन कहेगा कि मुझे सैनिक की जरूरत है, तो वो देश हमेशा तैयार रहेंगे अपने सैनिक देने के लिए। तो लीग ऑफ नेशन के पास अपने सैनिक संगठन नहीं था, जिसके आधार पे सैनिक शक्ति के अभाव में यह संस्था सफल ना हो सकी। इनका संगठनात्मक ढांचा दोषपूर्ण था, क्योंकि लीग ऑफ नेशन जिस तरीके से स्ट्रक्चर दिया गया था उतना अच्छा नहीं था। आरंभ में जर्मनी और रूस जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रों को इसकी सदस्यता से दूर रखा गया था। इंग्लैंड, फ्रांस इसके शक्तिशाली सदस्य थे, और ये दोनों ही हमेशा अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति में लगे रहते थे। इस संगठन के पास कोई प्रभावी और निषेधात्मक शक्ति नहीं थी कि किसी देश को डायरेक्टली मना कर सके, क्योंकि उसके मेंबर ही थे। अगर इसके मेंबर नहीं होंगे तो इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, तो कोई भी डायरेक्टली किसी भी तरीके से लीग ऑफ नेशन मना नहीं कर सकता था। ना ही इसकी अपनी सेना थी, जिसके आधार पर फलता या अपने उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रहा। अंत में 1 सितंबर 1941 को हिटलर द्वारा, जो भी जर्मनी का था शासक, तो हिटलर द्वारा पोलैंड यूरोप में आता है, दोनों ही यूरोप में आते हैं, तो हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण कर देने के परिणाम स्वरूप लीग ऑफ नेशन का सिद्धांत तारीख, जो नियम कानून के आधार पर बना हुआ था लीग ऑफ नेशन, वो सिद्धांत था फाइनली अंत हो गया, और द्वितीय विश्व युद्ध इसी दिन से प्रारंभ हो गया। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ उस दिन होता है जिस दिन लीग ऑफ नेशन समाप्त हो जाता है, तो जिस दिन हो गया उसी दिन से द्वितीय विश्व युद्ध होता है, और द्वितीय विश्व युद्ध होता है आपका 1939 से लेकर 1945 तक,
और 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध कंप्लीट होता है तो 1945 से आपका शीत युद्ध का दौर स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें हम थोड़ा सा अब अगले जो है आगे के जो हम पढ़ेंगे उसमें थोड़ा सा द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें किन किन कौन कौन से देश थे जो द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ रहे थे, और उसके बाद 1945 से जो शीत युद्ध का दौर है आपका जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर वहां अब यहां से स्टार्ट होगा आपका 1945 से शीत युद्ध का दौर। तो 1939 और 1945 का द्वितीय विश्व युद्ध कौन कौन से देश थे इसके बारे में हम पढ़ेंगे।